नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज लाइव। इस समय जुड़ गए हैं आप विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर रोज शाम को 5 बजे दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होते हैं फेसबुक लाइव पर, और हर रोज हमारे साथ खबरों पर चर्चा करने के लिए विशेष अतिथि के तौर पर कोई ना कोई व्यक्ति आज जरूर रहते हैं। आज JDU के वरिष्ठ नेता सुमन मलिक जी, सुमन कुमार मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। सुमन जी, आपका बहुत स्वागत है विमर्श न्यूज में। आज खबरों पर चर्चा करने के लिए सुमन मलिक जी को हमने इसलिए भी बुलाया है कि बिहार की राजनीति इस समय गर्म है और बिहार की राजनीति पर अच्छी पकड़ है, अच्छा विश्लेषण कर लेते हैं सुमन मलिक जी, और देश और दुनिया की तमाम खबरों पर उनकी नज़र रहती है। तो आज सुमन मलिक जी हमारे साथ खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इसके पहले हम आपको ये बताते चले, पहले खबर के तौर पर तो हम हर रोज कोरोना अपडेट को ही लेते हैं, लेकिन अब हमारा ये कहना है कि ये मास्क हमने प्रतीक के तौर पर पहना है, आप भी मास्क जरूर पहनिए, कोरोना अभी गया नहीं है। यह बताते हुए कि कल जो संख्या 26,000 तक पहुंच गई थी, 25,700 की कुछ संख्या थी, आज वो बढ़कर फिर 37,468 नए मरीज मिले हैं। ये नए संक्रमित मरीज जो मिले हैं पूरे देश में उनकी संख्या है, और मरने वालों की संख्या 648 है। ये गंभीर बात है, कल ये संख्या घट के आज से 10,000 नीचे थी, और 10,000 अचानक 24 घंटों में मरीज बढ़ गए, ये एक मुश्किल घड़ी है। इसलिए आपसे ये आग्रह है कि मास्क जरूर पहने। हमारा ये स्टूडियो पूरी तरह से सैनिटाइज है और हम दोनों ने टीका ले रखा है, दोनों टीका ले रखा है, इसलिए आपसे बातचीत करने के लिए ये मास्क मैं उतारता हूँ। लेकिन ये आपसे आग्रह है कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तो भीड़ भाड़ के इलाके में आप नहीं जाएं, हाथों को सैनिटाइज करिए, जो कोरोना के लिए जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका पालन करिए और कोरोना से सावधान और सतर्क रहिए। बिहार से अच्छी खबर ये है कि पिछले 24 घंटों में बिहार में केवल 9 मरीज मिले हैं, जो संक्रमित नए मरीज हैं 9 मिले हैं, और एक्टिव केस की संख्या मात्र 55 रह गई है। तो इस तरह से बिहार से अच्छी खबर आई है, और इसीलिए आज की पहली खबर हमारी यही है कि बिहार में अनलॉक 6 की घोषणा हो गई है। अब बिहार पूरी तरह से हम कह सकते हैं खोल दिया गया। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग के और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद ट्वीट करके यह जानकारी दी कि बिहार में अनलॉक 6 की घोषणा की जाती है। अब सारे स्कूल कॉलेज जो पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक के स्कूल हैं वो खुल जाएंगे, सभी कॉलेज खुल जाएंगे, सभी शिक्षण संस्थान खुल जाएंगे, जो कोचिंग संस्थान थे वो सब खुल जाएंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और गिरजाघरों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो पिछले लगभग 6 महीने से ज़्यादा इस लॉकडाउन के दौरान जो मंदिर बंद थे, जो धार्मिक स्थल बंद थे, उनको भी खोलने का आदेश हो गया है। ये राज्य सरकार की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले ये फैसला लिया गया है कि पूरे राज्य में अब पूरी तरह से अनलॉक हो गया है, शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे, बाजार बिल्कुल खुल जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने यह कहा है कि तीसरे फेज की आशंका को देखते हुए गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है, सजगता और सतर्कता बेहद जरूरी है। इसीलिए आपसे आग्रह है मास्क जरूर पहने, और ज़्यादा जरूरी नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकले, भीड़ भाड़ इलाकों में जब भी आए तो जाएं तो बिना मास्क के आप नहीं जाएं। सुमन मलिक जी से इस पर छोटा कमेंट लेते हुए हम बढ़ेंगे आज की दूसरी खबर की ओर। आप क्या कहेंगे, आज तो अनलॉक की घोषणा हो गई, मुख्यमंत्री ने कह दिया कि अब बाजार वगैरह सब खुल जाएंगे, लेकिन लोग जो है एक तरह से इजी समझ लेते हैं और आराम से घूमने लगते हैं, सजगता और सतर्कता भी बहुत जरूरी है, आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बतला देता हूँ कि कोरोना से जब हमारा देश नहीं पूरी दुनिया प्रभावित हो रही थी, हमारे देश हिंदुस्तान में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब ने कोरोना से बचाव के लिए बहुत ही व्यापक इंतजाम किए थे, ठीक उसी तरीके से बिहार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने, और हमारा जो स्वास्थ्य विभाग इतना ज़्यादा सजग था कि उसने पूरे तरीके से इस पर अंकुश लगाने का काम किया। और दूसरी बड़ी बात कि हमारी जो जनता है, जो हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसने भी इसी गंभीरता को समझा और उन्होंने सरकार के अनुदेशों और नीतियों का पालन करने का काम किया। यही कारण है कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ दूसरे राज्यों में कोरोना पीड़ितों की संख्या ज़्यादा थी, हमारे यहाँ उसकी बनिस्पत कम था। और हमारे यहाँ जिस तरीके से रोकथाम के लिए हमने कदम उठाया, हमारी सरकार ने, हमारी गठबंधन सरकार ने, यह काबिले तारीफ है। और इसके बारे में माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने भी कहा कि बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत बेहतर काम हो रहा है, और यही कारण है कि कोरोना से बचाव में बिहार बहुत ज़्यादा सफल रहा।
और आज जो छठे चरण का जो उन्होंने जो सो हमारे यहाँ लॉकडाउन ये तोड़ने का जो काम किया है, कुछ गाइडलाइन हम उन्होंने दिया है आज, क्योंकि आज सुबह में हमारी वहाँ मुलाकात भी हुई थी और उसमें वो जा रहे थे, तो हमारे यहाँ की जैसे सिनेमा हॉल में 50% की उपस्थिति रहेगी, तो मंदिर और पार्क वगैरह में भी रहेगी, लेकिन एक गाइडलाइन के साथ खुला, क्योंकि हमें यह अंदेशा है कि तीसरे चरण में अगर कुछ होता है तो हमारा उसका जो बचाव है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हम उसका सामना कर सके, तो एक गाइडलाइन के साथ ही हमारी सरकार ने छूट की घोषणा की है ताकि बाजार भी खुला रहे और हमारे लोगों की जान भी बची रहे। लेकिन आपकी सरकार पर एक आरोप तो लगता रहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी दूसरे काल के दौरान, जिस समय दूसरा चरण चल रहा है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश की राजनीति में कि विपक्ष का मतलब ही होता है आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन एक सकारात्मक तरीके से राजनीति होनी चाहिए। सकारात्मक राजनीति होगी जहां देश में हमारे लोग मर रहे हैं और वहां विपक्ष यह बोल रहा है कि लोग मर रहे हैं। हमारा कहना है कि अगर विपक्ष स्वस्थ मानसिकता के साथ राजनीति करती है तो उसका ये काम होना चाहिए कि सरकार का कहीं खामी नजर आता हो तो हम सहर्ष स्वीकारते हैं उसको और चाहते हैं कि उनका साथ हमें मिले और जो खामी है उसको दूर करते हुए अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान की रक्षा कर सके। लेकिन अगर जी, ये तो है कि राज्य के स्वास्थ्य सुविधाओं में आप देखिए, जैसा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा, पहले चरण के बाद ये स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक में, कि राज्य के 533 PHC को हम लोग जल्दी से 30 बेड वाला हॉस्पिटल बना लेंगे और सभी जगहों पर ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी। लेकिन अभी तक PHC को ठीक से हम लोग नहीं दुरुस्त कर पाए। नहीं, हम आपको आपकी बात से हम बहुत ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन आपको हम एक आश्वस्त भरा जवाब देना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो भी हॉस्पिटल है वहाँ सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन है कि एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाए और इसके लिए जो भी मुकम्मल इंतजाम हो उठाना चाहिए, और हमारी सरकार इतनी सजग है कि अभी जो कोरोना की संभावित जो तीसरी लड़ाई के लिए हमारी दुनिया तैयारी कर रही है उसी के नतीजे के कारण हर एक हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा बेड बढ़ाए गए हैं, ऑक्सीजन कहीं नहीं घटे, उसके लिए जो सो युद्ध स्तर पर उसका प्लांट बैठाया गया है, तो इसे साफ साबित होता है कि हमारी सरकार बहुत सजग है और एक एक जान की कीमत हमारी सरकार के सामने है। तो ये जो है पिछली नाकामी कारण नहीं, आने वाले दिनों में हमें किसी तरह की परेशानियों का या ऑक्सीजन की किसी तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़े, उसके लिए हम ये कारगर उपाय उठा रहे हैं। चलिए, सुमन मलिक जी ने सरकार का पक्ष रखा और ये दावा करते हैं कि तीसरे फेज से लड़ने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। हालांकि कल ही मैंने आपको बताया था, परसों ये बातचीत चल रही थी, कि IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि तीसरे फेज के आने की संभावना ही बहुत कम है, जिस तरह से पूरे देश में टीकाकरण चल रहा है और कुछ गणितीय सूत्रों के आधार पर वैज्ञानिकों ने, IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कहा कि तीसरा फेज शायद आए ही ना, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं और ये आशा के साथ कि चलिए तीसरा फेज नहीं आएगा तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन WHO ने आज ये कहा है कि भारत के लोगों को कोरोना के साथ जीने की आदत डाल देनी चाहिए, बहुत समय तक कोरोना अभी रहने वाला है, तो ये एक डराने वाली बात WHO से है। लेकिन बिहार की सरकार ने निश्चित रूप से, सुमन मलिक जी ने ठीक ही कहा कि बिहार की सरकार ने इसको नियंत्रित किया है और पहला मौका है कि पूरे देश में ये शायद ये पहला स्टेट होगा कि अनलॉक 6 की घोषणा हुई और सब कुछ बाजार, शॉपिंग मॉल, जिम, मंदिर, मस्जिद, ये सब कुछ खोल देने का आदेश आज मुख्यमंत्री ने किया है। ये अच्छी बात है, कल से बच्चे स्कूल भी जाएंगे, लोग बाजार जा सकेंगे। बस इतना ही रहना है कि सावधान रहना है, सजग रहना है और सतर्क रहना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया भर में तालिबान के मसले को लेकर चर्चा आम है, हर जगह से ये बातें आ रही हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने कब्जा करके और वहाँ के लोगों पर कहर ढाना शुरू कर दिया है। चर्चा ये भी आम है कि कई देश इस बारे में खुलकर नहीं बोल रहे, कई देश तालिबानियों के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, जिसमें चीन और पाकिस्तान ने तो खुलकर ये बातें कह दी हैं। अब वहाँ से लोगों को निकालने की कोशिश जो जारी है, उधर तालिबान ने कह दिया है कि काबुल एयरपोर्ट पर जो अमेरिकी सेना का कब्जा है और जो पश्चिमी देशों के
की सेना का कब्जा है, उनको 31 तारीख तक, 31 अगस्त तक की अंतिम तारीख दी जा रही है, उसके बाद उनको वो खाली करना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कही कि अफगान के लोगों को, अफगानियों को माने अफगानिस्तान के लोगों को बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है, इजाजत भी नहीं है, केवल विदेशी लोग जो हैं वही बाहर जा सकते हैं। भारत ने अपने तमाम लोगों को निकालने की कोशिश जारी रखी है और कल ही 167 लोग जो आए हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण बात अभी हाल में निकल के आई है कि 67 लोग जो आए हैं उसमें से 16 नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके साथ जो 3 लोग गुरु ग्रंथ साहिब का जो पवित्र ग्रंथ लेकर आए थे उनमें से भी वो लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और केंद्रीय मंत्री जो उस गुरु ग्रंथ साहिब को जिन्होंने रिसीव किया था वो भी उनके संपर्क में आए हैं, तो अब सब लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है, ये एक बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको वो खबर बताना चाहूँगा कि अमेरिका की सेना ने साल 2007 में 15 लाख से अधिक अफगानियों के आंखों की पुतली, उंगली के निशान और चेहरे के स्कैन को इकट्ठा करने का एक काम किया था, जिसमें छोटे हाथ से इस्तेमाल करने वाले डिवाइस का उपयोग कर बायोमेट्रिक डाटा का डाटाबेस तैयार कर लिया था। अब ये पूरा डाटाबेस अमेरिका के पास है, हालांकि कुछ डिवाइस तालिबानियों को भी मिल गए हैं, जिसके आधार पर तालिबानी ये चिन्हित कर रहे हैं कि किन लोगों ने अमेरिका की सेना को या अफगान की पिछली सरकार को सहयोग किया, उनकी जान खतरे में है, ये एक मुश्किल भरी बात है। दूसरी एक अफगान से जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण बात ये है कि यूएस ने और IMF ने माने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान पर माने तालिबान की नई सरकार पर अफगानिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। उनका ये कहना है कि वहाँ महिलाओं और बच्चों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं उसको देखते हुए कोई भी आर्थिक मदद अफगानिस्तान को नहीं दिया जाएगा। इसी सिलसिले में बातचीत करते हुए हम थोड़ी बात चर्चा कर लेंगे पंजशीर की भी, जहाँ पर पंजशीर के लड़ाके तालिबानियों के खिलाफ जमकर संघर्ष कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। ये तमाम बातें ये बता रही हैं कि तालिबान में, क्षमा करें, अफगानिस्तान में हालात दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, वहाँ के लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। भारत की सरकार ने सभी पार्टी के लोगों को एक बैठक, उसकी एक बैठक बुलाई है, और उधर G7 देशों की बैठक के बाद भी इस पर चर्चा हुई है कि अफगानिस्तान में कैसे हालात में सुधार किए जाएं। सुमन जी से हम इस चर्चा में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अपने देश का कुछ स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं था, लेकिन अब जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि ऑल पार्टीज मीटिंग बुला लिया जाए, फिर सबसे उनको बताया जाए कि क्या कर रहे हैं, अपने लोगों को वहाँ से लाया जा रहा है। लेकिन एक जो तालिबानियों का जो आतंक है, पाकिस्तान ने तो कह दिया कि हम उनके साथ हैं, वो तो आज़ादी की जंजीरें तोड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं गुलामी की जंजीरें तोड़ रहे हैं, और चाइना ने भी उनसे हाथ मिलाने की बात, कल देश के प्रधानमंत्री की बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हुई है, 45 मिनट बातचीत हुई है, आपको क्या लगता है भारत को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए या किस तरह से हालात में सुधार है? बहुत सारे लोग इस उम्मीद में हैं कि भारत उनकी सहायता करेगी तालिबान अफगानियों की। देखिए, मैं आपको एक बात बतला देता हूँ, आज दुनिया के सामने में एक बात निसंकोच रूप से हमें स्वीकारना होगा, क्योंकि यह कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह वाली बात नहीं, आरोप प्रत्यारोप वाली बात है, लेकिन आज के तारीख में दुनिया के सामने में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बन के स्थापित हो चुका, उभर रहा है, मैं नहीं कहूँगा स्थापित हो चुका है, चाहे चाइना जैसा देश हो, अमेरिका जैसा देश हो, या पाकिस्तान का तो कोई भी साथी नहीं हमारे देश के सामने में, लेकिन पूरी दुनिया मानती है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में आज स्थापित हो चुका है। और यही कारण है कि पिछले दिनों भी, पिछले बार जब युद्ध हुआ था, हमारे एक सैनिक को पाकिस्तान ले गया था, और भारत का ही खौफ था कि वो हमारे जो सैनिक भाई थे उन्हें सशरीर और बहुत स्वस्थ तरीके से उनको वापस पाकिस्तान ने किया, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि किसी तरीके से इनके कोई भी शारीरिक क्षति अगर हुई तो ईंट का ईंट बच जाएगा, उसमें पाकिस्तान का बर्बादी, पूर्ण रूप में बर्बादी सुनिश्चित था। और जहाँ तक तालिबान वाली बात है, तो देखिए तालिबान बहुत सारे मसलों को लेकर एक बहुत बड़ा एक जो गंभीर मसला है, आज दुनिया में एक आतंक का जो बाजारीकरण हो रहा है, बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे मुल्क हैं, बहुत सारे जो गठबंधन हैं, वो लोग चाहते हैं कि आतंक के नाम पर दुनिया पर एक शासन स्थापित किया जाए। ये आप एक गंभीर बात कर रहे हैं, आतंक का बाजार बना आजार, और दो तीन तरह का बाजारीकरण है, एक तो आतंक का बाजारीकरण, दूसरा कि खौफ के माध्यम से जो ये जो आपको हथियार है वो दुनिया के सामने में कैसे हम बेच सके, अमेरिका जैसा देश हो, चाइना जैसा देश हो, रशिया जैसा देश हो, वो उन लोगों का उनकी एक मंशा है
कि जब खौफ रहेगा, जब भूख रहेगा, तभी हम जो लोग हमसे अन्न मांगेंगे। उनकी तो दुकानदारी चली गई और ये लोग जो है ये अपना हथियार बेचते हैं, और हथियार बेचने के लिए इनके पास कोई नीतियां नहीं है, कोई इनका आइडियोलॉजी नहीं है कि हम हिंदुस्तान जैसे देश को देंगे, तालिबान को नहीं देंगे। तो इस तरह का जब सोच है तो एक आतंक का जो वजूद को लोग कायम करना चाहते हैं, और तालिबान जैसा जो आपको एक संगठन है, ये कोई देश नहीं है, एक तरीके से असामाजिक तत्वों का एक बहुत बड़ा जखीरा है, और ये चाहता है कि जो आतंक हो, तो ये देखता है कि शरीर में कहीं फोड़ा होता है तो जो कमजोर हिस्सा होता है वहां से वो निकलना चाहता है। तो आज पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इस तरह के जो देश है वो एक कमजोर नफ्ज है वैसे तत्वों के लिए। हाँ। तो वो चाहता है कि इसको हम एक माध्यम बनाएं, और इस माध्यम के सामने हम दुनिया को एक खौफ पैदा करें, अपनी दुकान में अपना सामान बेचे, और एक बड़ा अगर समूह और बड़ा एक इलाका मिल जाता है अफगानिस्तान टाइप का, तालिबान जैसे लोगों को, तो उनको लगता है कि हम अपनी जो मनसा है वो दुनिया के सामने लाने में सफल होंगे। तो बहुत तरह की बात होगी, चूंकि तालिबान और जहाँ तक भारत की बात है, भारत की अपनी विदेश नीतियाँ हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सब दलीय बैठक को बुलाया है, और हमारा देश जब आगे बढ़ेगा तो निस्संदेह माने, चूंकि हमारा देश न हथियार बेचता है, न हथियार का बाजारीकरण करना चाहता है, न दुनिया के सामने में, चूंकि हिंदुस्तान आज भी दुनिया के सभी देशों से बेहतर देश है, और ये चाहता है कि समतामूलक समाज रहे, और समाज का और देश का कोई व्यक्ति हो किसी भी देश का, तो उसको एक अच्छा वातावरण जीने का उसको अधिकार मिले। तो जब हमारा देश उस ओर बढ़ेगा तो निस्संदेह समस्या का भी एक समाधान संभव हो पाएगा, और तालिबान को भी सोचना होगा कि जब हिंदुस्तान आगे बढ़ा है तो उन्हें गंभीरतापूर्वक इसका सोचने के लिए विवश हो गए, क्योंकि हिंदुस्तान न चाइना है, न हिंदुस्तान रूस है, और न हिंदुस्तान पाकिस्तान है। लेकिन एक बात ये जो चर्चा में है कि भारत अपनी छवि खराब करते जा रहा है केवल अमेरिका की परस्ती करते हुए, कि वो अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है, और इसीलिए हमारे आसपास ही हमारे कई दुश्मन खड़े हो गए हैं। नहीं नहीं, ये देखिए, ये कृत्रिम जो एक वातावरण तैयार किया जा रहा है। हमारे यहाँ क्या है ना कि कुछ गंभीर मुद्दों पर भी जो हमारा विपक्ष है वो राजनीति करने से बात नहीं आता है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विदेश में दूसरे देशों में क्या है कि देश के लिए अगर कोई मुद्दा होता है तो सभी पार्टियां एक हो जाती है। हमारे यहाँ क्या है कि रोटी दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, रोटी नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं। तो हर एक मामले में सकारात्मक पक्ष में भी राजनीति और नकारात्मक स्थिति में भी राजनीति, जबकि जब कोई गंभीर मसला हो तो हमारा मानना है कि देश के साथ, समाज के साथ, पक्ष और विपक्ष सभी को एक मुद्दे पर एक मंच के नीचे आना चाहिए। और जहां तक सच्चाई है अमेरिका रसा की, तो हिंदुस्तान ने ठीक है कभी रसा के साथ, कभी अमेरिका के साथ, उसकी वैदेशिक नीतियाँ वो सकारात्मक रही हैं, लेकिन हमने हमेशा कमजोर लोगों का साथ देने का काम किया है। और जब भी कभी कोई गंभीर मसला दुनिया के सामने हुआ है तो हम चीन अमेरिका नहीं देखते हैं, बल्कि हम यह देखते हैं कि जो हमारा कमजोर कोई हमारे सामने है तो हम उसे काम आ सके। चलिए, सुमन जी ने आपसे जो ये बातें कही, ये महत्वपूर्ण बात, इस पर चर्चा में जितनी अच्छी से ये शामिल हुए और जो बातें उन्होंने, गंभीर बातें हमें बताई, ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन राजनीति में विशेष रुचि रखते हैं और आप जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, तो एक बात आज आपसे जरूर हम करना चाहेंगे। आज बीजेपी के कद्दावर नेता सीपी ठाकुर ने एक बड़ी बात कह दी है। सीपी ठाकुर ने कहा है कि नीतीश कुमार को राज्य में शिक्षा के हालात सुधारने पर, स्वास्थ्य के हालात सुधारने पर और विधि व्यवस्था के हालात सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, बेवजह जातियों की गणना करने पे उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। उधर लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो, आजकल वो स्वास्थ्य लाभ करने के लिए दिल्ली में अपनी बेटी के आवास पर हैं। आज उन्होंने केवल रूटीन चेकअप के लिए लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स में कुछ देर के लिए भर्ती हुए, पार्टी में इसको लेकर चिंता बढ़ गई। हालांकि अभी अभी थोड़ी देर पहले जो खबर आ रही है उसमें वहां के डॉक्टरों ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, उनको केवल रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल बुलाया गया था। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने भी एक बात कह दी, उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना की लड़ाई उनकी अपनी लड़ाई है और ये लड़ाई उन्होंने ही शुरू की थी। पहली बार ये बात उन्होंने उठाई थी, बाद में बीजेपी ने इसमें हामी भरी थी और बीजेपी ने वादा किया था कि ये कराएंगे। अब सीपी ठाकुर कल तो ये कह रहे थे, सुशील मोदी ने ट्वीट करके और ये बताया था कि बीजेपी इसके खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री से मिलने जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे तभी सुशील मोदी ने ट्वीट करके कहा था कि बीजेपी इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन आज सीपी ठाकुर ने
ये बयान देकर अब इस राजनीति को और हवा दे दी है। इधर जदयू के तरफ से भी एक और बात हम आपको इसमें शामिल कर लें, चूंकि आप जदयू के कद्दावर नेता हैं और आप जदयू के लिए वर्षों से काम करते रहे हैं। जदयू के बीजेपी के जो कोटे से जो डिप्टी सीएम हैं तारकेश्वर प्रसाद पर गोपाल मंडल ने टिप्पणी की थी और अब लगता है कि गोपाल मंडल पर सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बीजेपी इसमें पीछे हटने को तैयार नहीं है और जदयू के ऊपर ये दबाव बन गया है कि गोपाल मंडल पर कार्रवाई हो। तो ये दो सवाल हमारे हैं, एक तो जातीय जनगणना को लेकर सीपी ठाकुर ने आज पूरा पासा ऐसा लग रहा है कि वो पलट देंगे, कह रहे बीजेपी तो साथ हो गई थी, आप वो कह रहे हैं नहीं नहीं होना चाहिए, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सीपी ठाकुर जी को सिर्फ हम नेता या राजनेता के रूप में हम उनको चिन्हित नहीं कर सकते हैं। सीपी ठाकुर जी हमारे देश के ही नहीं एशिया के बहुत बड़े डॉक्टर थे और कालाजार के क्षेत्र में उन्होंने जो नए नए प्रयोग किया और नई नई दवाइयाँ नए नए जो है सो कारगर समाधान के लिए उन्होंने जो साधन उपाय किए दवाइयाँ निकाली, तो उनकी एक अलग छवि है। एक उन सिर्फ राजनीतिक के रूप में उनको अगर हम मान्यता देते हैं तो शायद कम होगा, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, तो वो कुछ बोलते हैं तो उनके उनकी एक अलग मनसा होती है। और जहाँ तक आपको जाति गणना की सवाल है तो मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि इसे पॉलिटिकल भी मान सकते हैं, राजनीतिक माने, सामाजिक माने और हर एक तरीके से है। सच्चाई क्या है आप भी जानते हैं, सच्चाई क्या है मैं भी जानता हूँ, क्योंकि समाज का जो ताना बाना होता है वो बहुत सारे चीज़ों को लेके होता है। हमारी जो पार्टियाँ देखिए, जो राष्ट्रीय पार्टी दो हुआ करती थी, एक कांग्रेस एक भाजपा, तो इन लोगों की जो नीतियाँ थी वो अलग थी, लेकिन उसके बाद क्षेत्रीय पार्टियाँ जो आई, देखिए मैं बहुत स्पष्ट बोलने में विश्वास करता हूँ, मेरी एक आदत है, चाहे वो राजद हो या ये बसपा हो, सपा हो, जदयू हो, राजद हो, तो जो क्षेत्रीय पार्टियाँ उभरी है देश में उनकी कुछ अपनी नीतियाँ कुछ प्रासंगिकताएँ होती है और उसमें उसके जो वोट होते हैं, जो उनका बेसिक वोट होता है, उनके हितों की रक्षा भी वो सबसे पहले करना चाहते हैं। क्योंकि लोगों का मानना होता है कि जो सभी जातियाँ हैं वो सबको दे या नहीं दे, लेकिन हमारे साथ जो कुछ लोग हैं जो पिछड़े हैं या जिस पर समाज ने या जो पिछली सरकारों ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनके हितों की रक्षा हम करेंगे। तो ये जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो सभी क्षेत्रीय पार्टियां आज राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्थिति हो गई है, वो मजबूत हो गए हैं, लेकिन उनका जो वोट बैंक है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है या जिनको और ज़्यादा जिन पर ध्यान दिया जा सकता था, तो हमारी पार्टी जो पार्टी है, जो हमारा गठबंधन है, हम चाहते हैं कि वैसे उन लोगों को चिन्हित करें और वैसे उन लोगों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और ज़्यादा कारगर हम जो है सो प्रयास करें और समाज का अंतिम व्यक्ति जो पदान पर खड़ा है उसको ही विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें, इसीलिए हम जाति की जनगणना को आवश्यक समझते हैं। लेकिन ये लड़ाई लालू जी की है कि नीतीश जी इसको लपक लिए? लालू जी कह रहे हैं कि तो मेरी लड़ाई थी, मैंने इसको शुरू किया था। नहीं नहीं देखिए, बहुत लोग बहुत ही शुरू करते हैं, लेकिन एक बात हम भी जानते हैं, आज भी अगर बिहार में या देश में कहीं आप घूम जाइए, कहिए कि लालू बेहतर कि नीतीश बेहतर, ये आप खुद आपको जवाब मिल जाएगा। तो जो बेहतर है वो किसी मुद्दों को ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश किया और ज़्यादा बेहतर ढंग से उसको समाधान करने का काम किया, और नीतीश कुमार किसी हंसी ठिठोली से काम नहीं करते हैं, किसी भी मसले को बहुत गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से उसको पूरी तरीके से उसको अंजाम तक पहुँचाते भी हैं। तो अगर आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जाति जनगणना करेंगे और जो पिछड़े लोग होंगे, जो विकास से दूर होंगे, उनके बारे में हम सोचेंगे और उसको विकास के मुख्य धारा से जोड़ेंगे, तो ये मान के चलिए कि नीतीश जी ने सोचा है, को उन्होंने जब ठाना है तो ऐसा वो करके दिखाएंगे। तो लालू और नीतीश बहुत बड़ी बात नहीं है, बेहतर के लिए किसने काम किया उसको हम आगे लेके चलेंगे, और नीतीश निसंदेह अभी हमारे पास जितने भी नेता हैं उनमें सबों में बेहतर हैं। लेकिन गोपाल मंडल के बारे में आप क्या कहेंगे, उन पर कार्रवाई होगी? देखिए, ये कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये तो हमारे नेताओं की जो है सो इच्छा शक्ति पर है, लेकिन हमारी पार्टी ने और हमारे नेता ने बहुत गंभीरता से लिया है। अभी दोपहर में आप ही लोग के चैनल पर, आप लोग विद्वान चैनल हैं, अभी चैनल पर दिखलाया जा रहा है कि हमारे जो बिहार के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, उन्होंने कहा है कि हमने प्रश्न पूछा है गोपाल मंडल जी से, अगर उनकी बात स्पष्टीकरण में हम अगर ये महसूस करते हैं कि उनका जवाब सही है तो ठीक है, नहीं तो उन पर कार्रवाई हम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक बात तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि सुमन कुमार मलिक जी, राजनीतिक विचारों पर उनके अपने उनकी पकड़ तो है ही, देश और दुनिया की खबरों पर भी उनकी नज़र रहती है और जितनी साफगोई से वो अपनी बातें रख रहे हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज देश में सबसे बड़ी खबर किसानों के लिए आई है, गन्ना किसानों के लिए।
ये किसान आंदोलन में ये गन्ना किसानों के आंदोलन की बात को दूसरे नंबर पर रखा गया था। पहले तो MSP और उसकी बात हो रही थी, राकेश टिकैत भी बात कर रहे थे। आज केंद्र सरकार ने किसानों के लिए खुशखबरी दी है। आज गन्ने के का फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस जो है, जिसको FRP कहते हैं, FRP में बढ़ोतरी कर दी गई। अब उसको 290 रुपया कर दिया गया। MSP तो 275 ही है, लेकिन उसका जो रिकवरी रेट होता है 9.5 होता है, तभी उसका पूरा मूल्य मिल जाता है। आज केंद्र सरकार ने यह कहा कि 10% रिकवरी रेट रहेगा, तो उसमें 5 रुपये की और बढ़ोतरी कर दी गई, माने 10% का इजाफा कर दिया गया है। तो ये किसानों के लिए अच्छी बात है। हालांकि ये बात करते हुए कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि देश में 40,000 करोड़ रुपए की कमाई केवल एथेनॉल से होने वाली है, और इसके कारण चीनी के मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। गन्ना का जो MSP ये MFR बढ़ाया गया, उसमें चीनी के मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, केवल एथेनॉल से ही सरकार को, केंद्र सरकार को 40,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो जाएगी। बिहार की सरकार तो, नीतीश कुमार तो बहुत दिनों से ये कहते रहे हैं कि एथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए, और एथेनॉल अब तो केंद्र सरकार ने भी ये बात मान लिया है, और एथेनॉल को डीजल में मिलाने की, पेट्रोल में मिलाने की बात अब वो चल रही है। तो ये केंद्र सरकार ने एक अच्छी खबर दी है किसानों को। अब इसको किसानों के आंदोलन को हल्का करने के लिए, उसको तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, या किसानों के लिए एक अच्छी बात है कि उनको ये गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी कर दी गई। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि सकारात्मक राजनीति हो या नकारात्मक राजनीति हो, लेकिन विपक्ष आरोप प्रत्यारोप से कभी भी अपने को अलग नहीं कर पाती है। ये दुर्भाग्य है, अगर वो सही रहे तो हम कहीं ज़्यादा विकास कर सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में ही कहा था, जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी हमारे देश में, लोग दिल्ली में सड़क चौराहे पर जब आकर लोग घेराबंदी कर रहे थे, डेरा डाल रहे थे, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसान हैं तो हम हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वह किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, और हम कभी भी ना आज के तारीख में ना पिछले दिनों कभी भी प्राचीन समय से किसान के ऊपर ही हम लंबित हैं, और जो कृषि है वो हमारा आधार है, जीवन जीने का आधार है। लेकिन इसमें कुछ लोग सरकार की बात को अनसुना करके और किसानों के हितों की उपेक्षा का नारा देकर उन्होंने आंदोलन चलाने का काम किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारी दिल्ली के केंद्र की सरकार ने हमेशा माना है कि सरकार किसान के हितों से कभी जो सो खिलवाड़ नहीं करेगी, और जहाँ तक होगा हम उसके साथ हैं, क्योंकि अगर किसान स्वस्थ नहीं रहेंगे, खुशहाल नहीं रहेंगे, तो कृषि पैदावार ज़्यादा नहीं होगा, कृषि पैदावार ज़्यादा नहीं होगा तो हमारी जनता उसमें पिस जाएगी, और पिस जाएगी तो फिर उस भोगना किसको पड़ेगा, सरकार को। तो सरकार कभी नहीं चाहती है कि हम ऐसी स्थितियां लाएं ताकि हमारी जनता जो है सो गुमराह हो, रोटी के लिए रोए, रोटी के लिए चिल्लाए, और फिर वो जो है सो टोटल जो दारोमदार सरकार पर जाके गिरे। गन्ना किसानों की चिंता अब केंद्र सरकार खुद कर रही है? नहीं, हम हमारी सरकार हमेशा से चाहती है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या बिहार की नीतीश सरकार हो, हमने हमेशा गन्ना किसानों के हितों की रक्षा करने की सोची है, और हम भरसक कोशिश करते हैं कि चाहे वो गन्ना की बात हो या सामान्य किसान, उनके हितों की रक्षा हम कर सकें, और उनके लिए जो भी नीतियां निर्धारित होनी चाहिए, मजबूत नीतियां, हम उसके पक्ष में रहे हैं और आगे भी पक्ष में रहेंगे, ताकि एक सबल समाज और एक मजबूत किसान की हम हितों की रक्षा कर सकें। चलिए, केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। FRP उसमें बढ़ोतरी करके 290 रुपये प्रति क्विंटल उसको कर दिया गया है। अब चीनी, गन्ना किसानों के लिए एक खुशखबरी है। देखना होगा किसान आंदोलन जो इस गन्ना किसानों के आंदोलन को, गन्ना किसानों की मांग को अपनी मांग में दूसरे नंबर पर रखता है, उस आंदोलन पर इसका कितना असर पड़ेगा। बिहार की एक और खबर पर हम अब चर्चा करेंगे, हमारी आज की आखिरी खबर होगी। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, विधि व्यवस्था को लेकर लगातार ये बातें हो रही हैं। कल भी 4 बड़ी घटनाओं पर हमने चर्चा की थी। आज कैमूर में एक सनकी व्यक्ति ने अपने ही घर में अपनी पत्नी और 2 बच्चों की उसने धारदार हथियार से काट कर उनकी हत्या कर दी। उधर वैशाली से खबर आ रही है कि जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं। ये जहरीली शराब पीने का मसला अभी हाल ही में बेतिया में हुआ था, जहां 16 लोगों के मरने की खबर आई थी, बाद में संख्या बढ़ के 19-20 तक गई थी, लेकिन
ये अभी तक पुलिस ने ये कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद ही हम बता पाएंगे कि इसमें क्या हुआ है। इसको जहरीली शराब पीने से कह नहीं सकते, लेकिन हम आपको ये बताते चले कि वहाँ पर जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के चकसिगार पंचायत की ये मसला है, जहाँ पर अनुसूचित जाति की एक बस्ती है, वार्ड नंबर 6 है, और उस बस्ती में कुछ लोगों ने, उनके परिवार वाले कह रहे हैं, ये अभी तक हम ही भी इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि इन लोगों ने देर रात शराब पी थी और शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती गई, और तबीयत बिगड़ने ही 2 लोगों की मौत वहीं पर हो गई, 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर कैमूर जिले में आपको मैंने बताया, भभुआ थाना के सोनडीहरा गांव में एक युवक ने अपने ही परिवार के 3 लोगों की धारदार हथियार से काट कर उनकी हत्या कर दी। ये अपराध की घटनाएं तो लगातार बढ़ी रही हैं। दूसरी बात है, ये शराब पीने से लोग मर रहे हैं, ये आपको लगता है ये राज्य में शराबबंदी के बाद ऐसी घटनाएं होनी चाहिए क्या? ये थोड़ा देखिए अजीब। देखिए, इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, सबसे पहले हम अपनी संवेदना उस पर प्रकट करते हैं, क्योंकि किसी भी घर में अगर किसी व्यक्ति की जो सो मृत्यु होती है तो वो दुखद है, तो उसके पीछे एक पूरा परिवार लंबित होता है, धारित होता है। और जहाँ तक शराब पीने, जहरीली शराब पीने से जो उनकी ये मृत्यु हुई है, इसे साफ साबित होता है कि हमारी नीतीश सरकार ने जिस तरीके से शराबबंदी किया, क्योंकि देखिए आप मीडिया के बड़े लोग हैं, मैं समाज सेवी हूँ, तो एक बात तो मानना होगा कि एक सामान्य जो समाज है, हमारे बीच का परिवार है, शराबबंदी से निस्संदेह आज के तारीख में बहुत खुश है। और एक एक ऐसा वातावरण बना है जहाँ बेटियाँ स्कूल जा रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, पत्नियाँ सुखी हैं, घर में कोई जो है सो इस तरह का वातावरण नहीं है जो शराब पीने के दौरान होता था। और चूंकि नीतीश कुमार ने शराबबंदी के बाद एक ऐसा वातावरण बना दिया है कि लोग डर के कारण घर में ही छिपके शराब बना रहे हैं, वो अपने स्तर पर, लोकल स्तर पर, घरेलू स्तर पर शराब बना रहे हैं, और वो जहरीला होता है, क्योंकि उसका जो क्वांटिटी होता है बनाने का, वो उनको तो मालूम नहीं है, उन्हें तो वो सिर्फ नशा चाहिए, लेकिन नीतीश सरकार ने नशा पर इतना कठोर कदम उठा रखा है कि वो सड़क पर उनको कहीं मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे स्थिति में इस पर सरकार को दोष देना, मैं समझता हूँ, तर्कसंगत नहीं होगा। अब बंद रूम में हम अपने नशा की पूर्ति के लिए हम चाय में, पानी में कुछ मिला के पी लें, ये तो हमारी कमजोरी है, लेकिन फिर भी सरकार इस पर भी निगाह रखे हुए है, और इस तरह की भी घटना भविष्य में नहीं घटे, सरकार जागरूक कर रही है, क्योंकि सरकार का ही काम जागरूक करने का भी है, क्योंकि लोगों ये अवैध शराब बनाने का गांव-गांव में ये चल पड़ा है कि वो छुप के बना रहे हैं। हाँ, क्योंकि सरकार ने इतना कठोर बना दिया है शराबबंदी का नियम कि लोगों को सड़कों पर यह नहीं मिल रहा है, तो जो लोग इसके बहुत ज्यादा अल्कोहल के जो सो आदि हो चुके हैं या इसके बिना नहीं रह सकते हैं, तो वो बंद कमरे में, बंद रूम में अपने तरीके से स्थानीय स्तर पर कुछ कुछ मिला के वो शराब बनाने का काम करते हैं। और ऐसे में अनेक घटनाएं घट चुकी हैं कि उनकी जाने जा रही हैं। और जहाँ तक वो 3 हत्या की बात है, तो उसका कुछ पारिवारिक मामला है, वो बंद कमरे का मामला है, लेकिन एक बात जरूर है कि किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर पर हमारी सरकार बहुत कठोर कदम उठा रही है, और हमारी सरकार ने माना है कि एक भी घटना होती है तो यह सरकार के लिए चैलेंज है, और उस पर हम अंकुश लगाएंगे। हमारे कई दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो कमेंट अपना लिख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में एक दर्शक ने लिखा है कि बंदी के बाद कभी भी शराब से हुई मौत को सरकार स्वीकार ही नहीं करती, और शराब के वो सरकार कहती है कि पोस्टमार्टम हो जाने दीजिए तब हम कहेंगे, तो वो ये स्वीकार ही नहीं करते कि लोग शराब पीने से मरे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि सरकार ने शराबबंदी किया है, तो सही में सरकार का जो निर्देश है, शराबबंदी हो चुका है, नशा के प्रति लोगों का रुझान जो है व्यक्तिगत स्तर पर भी घटा है, सरकार उस तरफ काम भी कर रही है, लेकिन चूंकि जिनको शराब नहीं मिल रहा, नशा नहीं मिल रहा है, वैसे लोग बंद कमरे में अपने तरीके से नशा ईजाद करना चाहते हैं, उस तरीके से ये हत्याएं हो रही है। लेकिन वो जो कहेंगे कि वो शराब पी के, अल्कोहल पी के मर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने स्तर पर कोई महुआ का बना रहा है, फिर कोई कुछ लोग और जो है सो ये गैस वगैरह, खाद वगैरह का बना के बनाते हैं, तो ये तो बंद कमरे में अपने नशा की पूर्ति के लिए बना रहे हैं, लेकिन शराब बंद हो गई या रोड पर शराब मिल रहा है, अब वो पी के मर रहे हैं, ऐसी कोई घटना भी हमारे सामने, मेरे सरकार के सामने में नहीं आई। चलिए, ये थी आज की दिन भर की 5 बड़ी खबरें, चलते चलते हम आपको बताते चले भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए कि हेडिंग्ले में भारत और लंदन, क्षमा करें, इंग्लैंड के बीच जो क्रिकेट मैच चल रहा है, दूसरा टेस्ट मैच, एक मैच जीत कर भारत उसमें आगे चल रहा है, लेकिन ये मैच भारत के लिए लगता है कि आसान नहीं होगा। पहले ही दिन भारत ने
टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का लिया और उसके बाद भारत के एक के बाद एक तीन विकेट गिर गए हैं। तो कहना नहीं होगा कि 30 रन पर तीन विकेट गिर जाने के बाद भारत की स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि अभी पूरा दारोमदार विराट कोहली जो कप्तान है उनकी बैटिंग पर है, लोगों की नज़र उन पर है। चलते चलते ये खबर आपको हम बताते चले कि भारत और इंग्लैंड के बीच ये मैच आज ही शुरू हुआ है और भारत 30 रन के उस पर तीन विकेट उनके गिर चुके हैं। अब विराट कोहली मैदान पर आने ही वाले हैं। तो ये थी आज की दिन भर की पांच बड़ी खबरें। कल शाम को 5 बजे फिर हम लोग हाजिर हो जाएंगे 5 बड़ी खबरों के साथ, खबरों पर चर्चा करने के लिए। कल भी हमारे साथ कोई विशेष अतिथि के तौर पर रहेंगे। देखते रहिए विमर्शnewslive.com। आप हमारे वेबसाइट पर भी जाकर अच्छी अच्छी खबरें पढ़ सकते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए। YouTube पर भी हम आप अच्छी अच्छी वीडियो खबरों से जुड़ी अच्छी अच्छी जानकारी वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर शाम को 5 बजे हम फिर हाजिर हो जाएंगे। नमस्कार।